और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमृतपाल से जुड़ी हुई है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह से जुड़ी यह जानकारी सामने आ रही है, जहां चाचा और ड्राइवर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उसकी तस्वीरें सामने आई। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, अमृतपाल के चाचा ड्राइवर का सरेंडर पुलिस के सामने। तो ये बड़ी खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। ये जो सरेंडर है इसकी तस्वीर आप देखिए, ये चाचा और ड्राइवर है अमृतपाल के, जिन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से घेराबंदी कर दबिश दे रही है और ये दबाव ही है। आप देखिए जिस तरह से पुलिस के एक्शन मोड का ये दबाव है कि दोनों ने सरेंडर किया, ये चाचा और ड्राइवर जो पुलिस के आगे सरेंडर करते हैं और फिर पुलिस की गाड़ी में बैठते हैं, यानी पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठाती है और फिर ले जाती है। लेकिन अमृतपाल का कोई सुराग नहीं मिला है। अब ये पूरी संभावना भी है कि हो सकता है इन दोनों से पूछताछ में किसी तरह का कोई इनपुट अमृतपाल को लेकर मिल जाए और पुलिस उस दिशा में इस मामले की जांच को आगे बढ़ाए और कई बड़े खुलासे भी इसी बीच हो सकते हैं। अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अब तो ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि ड्राइवर और चाचा ने आत्मसमर्पण किया, वीडियो सामने, लेकिन अमृतपाल को लेकर क्या जानकारी, इनसे पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ क्या? देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये एक्सक्लूसिव शॉट्स हम लोग चला रहे हैं और आपको बता दें कि रात को हम लोग वहां पर पहुंचे थे और तब इनको ये सरेंडर कर रहे थे। और एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि ये इनके साथी था, ये उनके साथ रहता था जो हरप्रीत है और हरजीत उनके चाचा है। तो अभी ये इनको सरेंडर कराया गया, इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और पुलिस उस समय यही कह रही थी कि यहाँ पर जो है अभी अमृतपाल को लेकर जो है कोई अरेस्ट उन्होंने नहीं डाला, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर बुलंदपुर गुरुद्वारा में जो है वो इनको बुलाया था और वहां पर उनका सरेंडर जो उन्होंने सरेंडर किया और पुलिस वहां पर मौजूद थी। तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और आप देखें कि ये एक्सक्लूसिव शॉट हम दिखा रहे हैं उस समय के हैं जब रात को 12:30 बजे बुलंदपुर गुरुद्वारा में जो है हरप्रीत और हरजीत ने जो है सरेंडर किया। ठीक है अमित, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे इस बाबत, लेकिन ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो आप देख रहे हैं अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर का, यानी अपना पासपोर्ट सौंपा पुलिस को, सरेंडर किया और फिर पुलिस के साथ गाड़ी में बैठकर पुलिस यानी उनको ले गई। तो अब क्या और जानकारी मिलती है इससे, ये आगे आपको लगातार हम बताते रहेंगे। Z News.